कुंडा में खून के रिश्ते को खूनी रंजिश में बदल देने की वारदात सामने आई है, जहां एक भाई ने अपने चचेरे भाई की हत्या इतनी बेरहमी से की जिसका यकीन करना मुश्किल था। लेकिन युवक की हैवानियत दूसरे भाई ने अपनी आंखों से देख ली, नहीं तो शायद इस खूनी खेल का पर्दाफाश होता ही नहीं। नरसिंहगढ़ गांव का राजेश यादव बीती रात अपने खेत में सो रहा था, तभी रात में लगभग 1 बजे उसका सगा चचेरा भाई सतीश पहुंचा और किसी धारदार हथियार से राजेश का गला रेत दिया। घटना को राजेश के सगे भाई ने देख लिया और शोर मचाकर राजेश को बचाने दौड़ा, लेकिन तब तक हैवान बन चुका सतीश अपने मंसूबे में कामयाब हो चुका था। शोर शराबा सुनकर आरोपी सतीश भाग निकला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची कुंडा पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी युवक की तलाश में दबिश जारी है। गांव का ये लड़का हमारे गांव का है, रोज की तरह रात को 10 बजे खा पी कर अपने खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ आया, सो गया जी। इसके छोटा भाई जो सुरेश कुमार है, बड़े भाई वो घर पे सो रहे थे, ये छोटा वाला राजेश जो है खेत की रखवाली के लिए अक्सर सोता रहता था, तो आगे सो गया यहाँ पे और रात लगभग 2 बजे जब उठा पेशाब करने के लिए इसका छोटा भाई, बड़ा भाई तो जानकारी हुई और बगल पड़ोस के ही सतीश कुमार मतलब तेज कदमों से भागते हुए जा रहे थे, तो दौड़कर वो अपने भाई के पास आता है, तो देखता है भाई मतलब माणासन स्थित में है, थोड़ा बोल पाता है और बताता भी है कि हाँ सतीश कुमार ने मुझे मारा है।